हेलो दोस्तों दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक माइक है, बोया M1 माइक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं इसको किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से अगर इसका सेल ख़त्म हो गया तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी आप खुद से घर में आसानी। और कहाँ आपको ये सेल मिलेगा इसका और किस रेट में मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। साथ में आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोज अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके मन में, या आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और फ़ोन हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि ये माइक जल्दी से ख़राब होते नहीं है। अगर मान लो ख़राब हो भी गए तो इसका ओनली सेल ही ख़राब होता है, डाउन हो जाता है वो। और जैसे कहीं इसे कटा है तो आप उसे जोड़ सकते हैं, और ये माइक तो कहीं से कटा नहीं हुआ है और इसका सेल ही ख़त्म हुआ है। तो इसको सेल को आपको सिंपली कैसे आपको चेंज करना है, ये यहाँ पे आपको ये देख लीजिए, डब्बी से दिखेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपको इसका सेल मिल जाएगा, और दोस्तों ये आपको मार्केट में इसके सेल मिल जाएंगे बहुत इजीली, जहाँ आपको रिपेयरिंग का जो सामान मिलता है उस शॉप में आपको ये बहुत आसानी से सेल मिल जाएगा। आपको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं इसको, और ये आपको दोस्तों मिलेगा 15 से 20 रुपए का आसानी से मिल जाएगा ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको निकाल लेना है, और इस माइक को निकाल, जो ये सेल है दोस्तों इसको निकाल लेना है आपको, और उसी तरीके से फिट करना। ध्यान देना कि आप जैसे इसको निकालेंगे वैसे ही आपको नया लगाना है, जैसे ही निकल गया तो ऐसे ही आपको नया लगाना है। ये देख लीजिए, उसके बाद आसानी से इसको फिट कर देना है। तो ये अब ओके हो गया है माइक, तो इसमें सेल की ही प्रॉब्लम थी। और बाकी अगर तार कहीं से कट गई तो आप उसे जोड़ सकते हैं, और नॉर्मली जैसे इसका कनेक्टर है तो ये कट गया तो आप यहाँ पे नया कनेक्टर लगा सकते हैं। यही प्रॉब्लम आती है दोस्तों नॉर्मली इसमें, लेकिन ज़्यादातर सेल की प्रॉब्लम आती है। तो वो आपको बता दिया मैंने किस तरीके से चेंज हुआ है, तो उस तरीके से आप बहुत आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।